नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कानपुर ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 25 नवंबर के दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 दिवसीय एक टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाना है। उसकी तैयारियों के बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता अविरल गुप्ता ने यूपीसीए डायरेक्टर रियासत से बात की, जिस पर उन्होंने 25 नवंबर को आयोजित होने वाले टेस्ट मैच के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस बार पार्क पर नजर ड्रोन और स्पाई कैमरों के जरिए रखी जाएगी। सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बन रहा विजिटर्स गैलरी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। इसमें ग्रीन पार्क का इतिहास, जैसे कौन से खिलाड़ी कब यहाँ आए, कौन सी सीरीज का आयोजन कब और कैसे हुआ, उससे लोगों को अवगत कराया जाएगा। मैच की टिकट के लिए कोरोना व जीका वायरस के लिए जो प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसका खासा ख्याल रखा जाएगा। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं यूपीसीए डायरेक्टर रियासत जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पर ग्रीन पार्क में मैच होने जा रहा है 25 तारीख। मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा कानपुर के दर्शकों को, कानपुर की जनता को, जिनको कि एक बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। और ये सब हमारे बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी की देन है, जिनके कारण आज ये संभव हो सका। क्या खास होने वाला है इस बार मैच होने जा रहा है, कम से कम लंबे अंतराल बाद ग्रीन पार्क? बहुत उत्सुकता है हम लोगों को भी बहुत उत्सुकता थी। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करा सब मिलके, और इस बार आप देखेंगे ड्रोन कैमरेज का इस्तेमाल होगा, स्पाइडर कैम्प लगेंगे, तो इस तरह से करके सारी चीज़ें हम लोगों ने व्यवस्था करके रखा हुआ है। अगर विजिटर गैलरी की बात की जाए, उसकी बड़ी चर्चाएं हैं इस वक्त कानपुर शहर में, तो विजिटर गैलरी को लेकर के क्या तैयारियां हैं? विजिटर गैलरी बेसिकली ये इट्स अ प्रोजेक्ट प्रशासन की तरफ से, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनकी तरफ से ये प्रयास है, और इसमें ये कोशिश करी गई कि जितने भी मोमेंटोज हैं, जो भी क्रिकेटर्स यहाँ पे हुए हैं, आए हैं खेलें, तो उनके मेमोरीज से, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और ग्रीन पार्क की का जो इतिहास है, तो यहाँ पर जो आए देखने तो उसको पता चल जाए कि ग्रीन पार्क की क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास रहा है, कौन लोग खेले, इस तरह से कोशिश है। ये प्रशासन का इसमें मुख्य वो है बिंदु, हम लोग एक सहयोगी भूमिका में है। सर, टिकट के लिए कैसे क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि जीका और कोरोना का फिर से एक बार कहर लग रहा है। जीका तो कानपुर में पैर पसार रहा है, तो उसको लेकर के कुछ पाबंदियां, कुछ नियम कानून, नए बदलाव कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सच्चाई तो नहीं है। और जो भी मैचेस होते हैं, ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, बीसीसीआई की तो गाइडलाइन है कि भाई आप करा लीजिए, पर जो स्टेट की जो गाइडलाइंस होती हैं, जो अंडरलाइंग कंडीशंस है मेडिकल हैं, उसके आधार पे जो वो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग काम करें। कानपुर वालों से क्या कहना चाहते हैं? कानपुर वालों के लिए कि मुझे लगता है कि जैसे जब टीमें आए, चूँकि अब की कोविड प्रोटोकॉल है, लोग खिलाड़ियों के पास नहीं जा पाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे, तो जब टीमें आएँ तो जो रास्ता है उनका, उन रास्तों पर अगर फूल सजाएँ, भारत के झंडों को लहराएँ, तो वो बड़ा अच्छा होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। क्योंकि दुनिया का जो दो बेस्ट टीम है, न्यूजीलैंड और इंडिया, दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, तो फर्स्ट और सेकंड टीम के बीच में मुकाबला होने वाला है। इसमें हम सब बीसीसीआई बधाई के पात्र हैं जो हमको ऐसा मैच दिया। थैंक यू सर। ओके, तो ये थे हमारे साथ में यूपीसीए डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि मैच जो होने वाला है ग्रीन पार्क में, इस बार खास क्यों होने वाला है। साथ ही यहाँ पर ड्रोन और कई सारी ऐसी नई चीज़ें भी ग्रीन पार्क में इस बार मैच में आपको देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर के यहाँ पर ग्रीन पार्क में तैयारियाँ काफ़ी दिनों से शुरू हो चुकी है। कैमरापर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज प्लस कानपुर। कानपुर ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 25 नवंबर के दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाना है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। इस क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों को स्कोर को देखने के लिए ऐतिहासिक मैनुअल स्कोर बोर्ड तैयार किया गया था। आपको बता दें कि साल 1958 से लेकर 2015 तक इस स्कोर बोर्ड ने मेजबानी करते हुए 36 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की स्कोरिंग के साथ दर्शकों का मनोरंजन किया है। ये स्कोर बोर्ड ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का ये एक ऐसा एकमात्र मैनुअल स्कोर बोर्ड है, जिसे संचालित करने के लिए 40 से 45 लोग लगते हैं।
लेकिन समय बदलने के साथ साथ इस बार क्रिकेट मैच के दौरान ये स्कोर बोर्ड दर्शकों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि इसके स्थान पर डिजिटल स्कोर बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा और ये स्कोर बोर्ड इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार देखते रहिए न्यूज प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।